डॉक्टर कदम सिंह वालिया ने दिल्ली जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया एवं बैलेट मशीन को लेकर उनका कहना है जब राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकता। इस मुद्दे को लेकर हजारों की संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पर पदम सिंह वालिया का धरना प्रदर्शन जारी है। रिपोर्ट मीरा कटारिया। सर आप कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर कदम सिंह वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित जागरण मंच, मैं उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ। सर आप यहाँ पे क्यों आए? देखिए, ईवीएम मशीन को बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बामन मेसराम साहब के द्वारा तमाम सामाजिक संगठनों और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो ईवीएम को बैन करने के लिए जो आज जंतर मंतर से चुनाव आयोग कार्यालय पर घेराव करने के लिए जो प्रोग्राम है उसको हमारा समर्थन है, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए। सर ईवीएम की मांग को तो जो है दूसरी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो जायज बता रही, गलत है ना? अगर जायज है तो राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। जब बैलेट पेपर से राष्ट्रपति जी का चुनाव कराया जाता है तो आम विधायकों का, एमपी एमएलए का चुनाव, इनका चुनाव ईवीएम से क्यों कराया जाता है? तो अन्य पार्टियां विरोध क्यों नहीं कर रही? अन्य पार्टियों का समर्थन है, इंडिया घटक, इंडिया जो भी बना है राजनीतिक गठबंधन जो बना है उसके बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारी पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत समर्थन दिया है। केवल भारत मुक्ति मोर्चा ही इसका विरोध क्यों कर रहा है? ऐसा है क्योंकि अगर इस देश में आरएसएस को कोई टक्कर देने वाला संगठन है तो वो बामसेप है, और बामन मेसराम साहब उसमें बहुत रात दिन जुटे हुए हैं और कर रहे हैं, लाखों की तादाद में करोड़ों लोग उनके साथ हैं और इसी दिशा में चल रहा है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ आ रही है और सब लोग इसी में है। तो अगर ईवीएम बैन नहीं होता तो क्या करोगे आप? जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सड़कों पर उतर के ईवीएम को तोड़फोड़ की जाएगी। जैसे अगर ये सरकार जो है और चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो मजबूरन जो है देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा और ईवीएम को तोड़ना पड़ेगा, यही इसका इलाज है।